जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एन अक्षर से नाम शुरू होने वाले जातकों का। 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2022 तक का समय कैसा रहने वाला है? इस समय चंद्रमा सिंह राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य धनु राशि से बाहर निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल धनु राशि में रहेंगे। बुध पहले धनु राशि में थे लेकिन बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपके ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए आपका भविष्य क्या कह रहा है। आपकी वर्तमान जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं लेकिन आपको उनसे जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है। अपना नज़रिया हमेशा की तरह सकारात्मक बनाए रखें। स्थिति जल्दी ही बेहतर होगी। लोग आपसे सहायता मांगेंगे और आप उनकी सहायता में व्यस्त होकर अपनी चिंताएं भी भूल जाएंगे। आपको रिएक्शन और एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी विशेष खाने से एलर्जी है तो हो सकता है कि आपने अनजाने में वही खाना खा लिया हो। त्वचा में जलन की भी आशंका है। अगर संभव हो सके तो प्रदूषित स्थानों पर जाने से बचें। शाम तक आपकी सेहत में सुधार होगा। खूब अच्छी नींद भी लें और खूब एक्सरसाइज भी करें। भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो इसके लिए आपको अभी से प्रयास करके स्वास्थ्यकर आदतें डालनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। क्योंकि गुरु आपके पांचवें भाव में स्थित है और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। खास तौर से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि आप अपने घर में जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। क्योंकि यह निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत ज़रूर करें और उनके विचारों को भी ज़रूरी महत्व दें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इस असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाए और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचे जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वह इस सप्ताह मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह
अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाए और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाए, यह आपके लिए बेहतर होगा। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं, आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है, उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपके रिश्ते में हाल फिलहाल काफ़ी उलझने रही है और आप अपने पार्टनर के इशारे या जो वह आपको समझाना चाह रहे हैं वह नहीं समझ पाए हैं। आज आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप इसके आधार पर कोई निर्णयात्मक कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी शांति बनाए रखें। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा और आपका धन संबंध कैसा रहेगा। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। आपको काफ़ी समय से अपनी सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय यह मदद लौटाने का है। अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर यह आपके लिए सहायक ही स्थित होगा। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या सुविचार है, इसे आप मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, एक अरसे बाद आया मुझे करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उससे और वह मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने ए ज़िंदगी, मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने ए मुझे ज़िंदगी, वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, वह हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी इसलिए तुझे दर्द दिया ताकि जब खुशियाँ आए तू बेमुकब्बल जिए और जब दुख आए तो तू जीना सीख जाए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं यकीन टूटने पर होता है, इसलिए दूसरों का भरोसा कभी ना तोड़े, सच्चाई के राह पर चले, इससे ही आपकी ज़िंदगी सफल एवं सुखद होगी। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।